देखिए आज हम लोग ब्रेक बाइंडिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो ब्रेक बाइंडिंग क्या है, जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग ब्रेक अप्लाई कैसे होता है और ब्रेक रिलीज कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मान चलिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूरा ट्रेन को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। जब इंजन से पूरा ट्रेन चार्ज हो गया 5 kg/cm² से BP, ठीक है, तो उस समय में क्या हो जाएगा, मेरा पूरा गाड़ी रिलीज हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जब एग्जामिन के टाइम में मैनुअली रिलीज करते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का जो क्विक रिलीज वाल्व है, इससे हम लोग मैनुअली इसको रिलीज करते हैं तो सारा वागन रिलीज हो जाता है, ठीक। अब ब्रेक अप्लाई जब करना है, जैसे आप ट्रेन को लेके जा रहे हैं, तो ब्रेक अगर हमको अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा इंजन से। जब हम 1 kg ड्रॉप करेंगे, मान चलिए हम 1 kg/cm² ड्रॉप कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, ब्रेक अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमको कि ट्रेन को हम लेके जा रहे हैं, हमको रोकना है तो हमको तो ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, उस समय क्या होगा, पिस्टन बाहर निकलेगा तो मेरा गाड़ी जो है रुक जाएगा, है ना। जब हमको गाड़ी को रोकना है तो ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कंपोनेंट में कुछ फॉल्ट आ जाए, ठीक है, किसी भी कारण से मान चलिए, तो क्या होगा, आप नहीं चाहते हैं ब्रेक बैंड मतलब ब्रेक लगे इस गाड़ी में, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि इसमें ब्रेक लगे, कोच में या वागन में जो भी है, लेकिन फिर भी ब्रेक लग जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ब्रेक बाइंडिंग। अगर ऐसा नहीं कि हम ट्रेन को लेके जा रहे हैं और हम ट्रेन को अगर रोके हैं तो उसको हम लोग ब्रेक बाइंडिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसमें को तो हम लोग रोके ही है गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ब्रेक बाइंडिंग हम लोग उस कंडीशन में बोलेंगे जहां पे हम लोग को नहीं रोकना है गाड़ी को, हम लोग को ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए, रिलीज हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रेक अप्लाई हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक बाइंडिंग। मतलब ये अनडिजायरेबल कंडीशन है जो कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये ब्रेक बाइंडिंग हो गया। अब ब्रेक बाइंडिंग हो जाने से क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रेक बाइंडिंग क्यों होता है, फिर हम लोग देखेंगे ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक। तीन चीज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा तब हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या होगा इससे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कोई आप जैसे मान चलिए पैसेंजर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, अब आपका क्या है, मान चलिए 2 घंटा के बाद आप यहाँ से चल रहे हैं हावड़ा के लिए, हावड़ा आपको जो है 2 घंटा में पहुंचा देगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारण से जो कोच जिस समय आप जा रहे हैं ट्रेन में, वो रास्ते में ब्रेक बाइंडिंग हो गया, तो आप 2 घंटा में नहीं पहुंच पाइएगा। अब मान चलिए वहां पे आपको कोलकाता में कहीं फ्लाइट पकड़ना है, ठीक है, कहीं दूसरे कंट्री जाने के लिए, या फिर मान चलिए आपका इंटरव्यू है, जॉब का इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है ना, कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहा है, सब बहुत इंपॉर्टेंट करने काम है सबका। अब उस समय पे अगर नहीं पहुंच पाया, अगर किसी का मान चलिए 10 बजे पहुंचना है इंटरव्यू में और वो ब्रेक बाइंडिंग हो गया, पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा ना, उसका तो नौकरी चला गया। कोई जा रहा है अपना हवाई जहाज पकड़ने के लिए, वो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएगा, उसका तो छूट गया, है ना, प्लेन छूट गया, है ना। तो पैसेंजर को बहुत ज्यादा इससे जो है क्या होता है, नुकसान होता है ना। तो एक सबसे जो अभी देखा गया है रेलवे में कि अप्रोक्सीमेटली 30% जो पंक्चुअलिटी लॉस है वो किसके कारण होता है, ब्रेक बाइंडिंग के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि हमको अगर कोई पैसेंजर को हम सर्विस दे रहे हैं, अगर कोई पैसेंजर पे कर रहा है तो उसको तो अच्छा सर्विस चाहिए ना। तो हम लोग को चाहिए कि जब भी एग्जामिन करते हैं तो अच्छे से एग्जामिन हो जाना चाहिए ताकि रास्ते में कहीं ब्रेक बाइंडिंग ना हो, है ना। ये तो हो गया कि कोचिंग का, है ना, पैसेंजर का। अब मान चलिए इसमें हम कोयला को लेके जा रहे हैं, अब ये ट्रेन ब्रेक बाइंडिंग हो गया, कहीं पावर प्लांट में कोयला का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, है ना, और वहाँ पर वो टाइम पर पहुँच ही नहीं पाया, तो वहां पे मान चलिए पूरा प्लांट ही बंद हो जाएगा कोयला के कारण, तो बहुत ज्यादा लॉस है ना, रेवेन्यू लॉस हो गया रेलवे का। दूसरा कारण, ये तो रेवेन्यू लॉस वाला हो गया, दूसरा मान चलिए अब ऐसा कंडीशन आया गया कि इस ब्रेक बाइंडिंग को कोई रास्ता में छुड़ा ही नहीं पाया, है ना, ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज नहीं कर पाया, क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, है ना, काट के हटाना पड़ेगा। अब समझिए इसमें इतना कोयला है या कोई भी मटेरियल है जो कि क्या हो जाएगा, अब इसको हमको डिटैच करना पड़ जाएगा, रेवेन्यू लॉस हो गया। तीसरा जो आपका हम इसमें डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, अब ये चलते चलते क्या हो जाएगा, ब्रेक बाइंडिंग जब होगा तो पूरा एक्सल जाम हो जाएगा, है ना, व्हील ये जो है मूव करना बंद कर देगा, जब व्हील मूव करना बंद कर देगा तो क्या होगा बताइए, इसमें आग लग सकता है ना, ये आपका एक्सल डैमेज हो जाएगा, एक्सल पूरा बर्न कर जाएगा, एक्सल डैमेज हो सकता है। दूसरा क्या होगा, ये जब चलेगा तो क्या होगा, घिसेगा, चक्का घिसेगा, चक्का घिसेगा तो क्या होगा, इसका जो है टायर क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा,
है ना, फ्लैट टायर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, एक्सीडेड हो सकता है, मेटल डिपॉजिट हो सकता है, और क्या होगा, ट्रैक को खराब कर देगा। अगर ये फ्लैट टायर हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रैक खराब हो जाएगा। और समझिए जहां तक जा रहा है, जितना दूर जा रहा है वहां उतना दूर तक ट्रैक खराब कर देगा, है ना। तो कितना लॉस हुआ मेरा, एक तो एक कंपोनेंट खराब हो गया है ना, इसमें आग भी लग सकता है, दूसरा आपका जो व्हील है वो खराब हो गया, फ्लैट टायर हो गया, मेटल डिपॉजिट हो गया, ठीक है, ये सारा लॉस है, बहुत सारा लॉस है। उसके बाद अगर हम पैसेंजर का बात करें तो पैसेंजर को इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है उससे, तो ये सबसे जो है बड़ा जो डिसएडवांटेज है इस, जो हम लोग का रेवेन्यू लॉस होता है या फिर पैसेंजर को जो असुविधा होता है, तो उसका जो मेन कारण है वो है ब्रेक बाइंडिंग, ठीक है। तो अब हम लोग तो ये समझ लिए कि इस ब्रेक बाइंडिंग जब हो जाएगा तब क्या होगा, है ना, क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि ब्रेक बाइंडिंग जब हो जाएगा तब कैसे पहचानेंगे। तो ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा तो पहला तो इसका जो पिस्टन है रिलीज हो जाना चाहिए, जैसे प्रेशर दिया हुआ है तो, लेकिन रिलीज नहीं हो रहा, पिस्टन बाहर निकला हुआ है, तो वहां से हम पहचान सकते हैं, है ना। पिस्टन अगर बाहर निकला हुआ है, पूरा प्रेशर 5 kg दिया हुआ इंजन से, लेकिन फिर भी मेरा जो है पिस्टन बाहर है, उस समय हम समझ जाएंगे कि इसमें जो पक्का ब्रेक बाइंडिंग होगा, व्हील में हिट भी हो सकता है। दूसरा पहचानने का तरीका, आपका व्हील पूरा लाल हो जाएगा, है ना, चलते चलते, चूंकि ये तो जाम हो गया ना, हीट हो जाएगा, जाम हो जाएगा तो हीट से ही लाल हो जाएगा, पूरा हीट हो जाएगा, टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, आपको दूर से ही पता चल जाएगा, इसमें यहाँ पे भी हाथ रखिएगा तो पूरा इतना गर्म होगा कि आपको पता चलेगा कि इसमें ब्रेक बाइंडिंग है ना। आपका यहाँ पे जो है इसका जो CTR भी है या फिर जो रोलर बेयरिंग लगा हुआ रहता है, इसमें आपका पूरा आग लग सकता है, पूरा देखिएगा यहाँ पे पूरा इसका। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ब्रेक ब्लॉक जो है इसमें व्हील से सटा हुआ रहेगा, है ना, पूरा स्मेल करेगा, इसमें जो है आपका धुआं निकलेगा, है ना। ये सारा जो है हम लोग को क्या है, एक लक्षण है कि ब्रेक बाइंडिंग हो गया है गाड़ी में, ठीक है, पहचानने का तरीका। अब हम लोग समझे हैं कि ब्रेक बाइंडिंग जब होगा तब क्या होगा, ब्रेक बाइंडिंग हो गया तो कैसे पहचानेंगे इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग समझते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग जब हो जाएगा तो इसको जो है रिलीज कैसे करेंगे, है ना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है। नहीं, एक चीज और हम समझ लेते हैं कि अभी समझे कि ब्रेक बाइंडिंग को पहचानने का तरीका, आप समझते हैं ब्रेक बाइंडिंग कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है। ब्रेक बाइंडिंग होने का कुछ कारण है, पहला तो कारण हम लोग देख लेते हैं जो हमारे कोच या वागन के कारण होता है, ठीक है, अगर इसमें कुछ फॉल्ट है तब ब्रेक बाइंडिंग कैसे होता है। अब मान चलिए जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे आप प्रेशर दे रहे हैं तो टेस्टिंग करने के टाइम में ध्यान रखिए, जब भी एग्जामिन करते हैं तो टेस्टिंग करने के टाइम में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कंप्रेसर से आ रहा है एयर प्रेशर, तो वो क्या करते हैं हम लोग अगर डायरेक्ट इसमें दे दें तो उसमें मॉइस्चर रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या करना है, उस मॉइस्चर को ड्रेन करना है। जब भी आप लोग पाइप लगाते हैं ट्रेन में तो ध्यान रखिए, ट्रेन में पाइप लगाने से पहले उसका प्रेशर एक बार खोल दीजिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है, थोड़ा दूर हट करके उसको खोल दीजिए ताकि उसका जितना भी मॉइस्चर है बाहर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो है एक ट्रेन का जो है हार्ट बोला जाता है, ठीक है। अब इतना ज्यादा ये सेंसिटिव है कि अगर इसमें मॉइस्चर चला जाएगा तो ये काम करना सही से बंद कर देगा, ठीक है, जब सही से काम नहीं करेगा तो ब्रेक बाइंडिंग होगा ही होगा, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि पिस्टन निकला, ब्रेक जब हम अप्लाई किए पिस्टन निकला, अब ये काम करना बंद कर देगा, अब जब ये काम ही नहीं करेगा तो ब्रेक तो रिलीज ही नहीं होगा, है ना, तो ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा। तो मेरा हो सकता है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ही मेरा जो है खराब हो जाए, है ना, या फिर इससे कहीं लीकेज हो जाए। दूसरा हो गया डर्ट कलेक्टर खराब हो जाए, है ना, डर्ट कलेक्टर में कुछ फॉल्ट आ जाए, और क्या हो सकता है, मान चलिए लीकेज हो रहा है, थोड़ा ट्रेन में ही लीकेज हो रहा है, जैसे अगर पूरा प्रेशर हम दे रहे हैं 5 kg, अगर कहीं लीकेज नहीं है, ठीक है, तो मेरा क्योंकि 5 kg प्रेशर तो आना चाहिए इसमें, है ना, AR आपका जो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, CR चार्ज हो रहा है, BP का प्रेशर 5 kg आना चाहिए, तभी ना रिलीज होगा मेरा पूरा गाड़ी, है ना। लेकिन अगर मान चलिए ये गाड़ी जो है मेरा रास्ते में ही लीकेज हो जा रहा है, BP का प्रेशर अगर डाउन हो गया 5 kg से, तभी तो ब्रेक लगेगा। अगर ब्रेक अगर मान चलिए जैसे बीपी का लीकेज के कारण जो है 4.5 हो गया, ठीक है, अगर चलते चलते बीपी का जो प्रेशर है जब तक 5 kg नहीं रहेगा तब तक क्या होगा, 5 kg अगर है तो मेरा गाड़ी रिलीज हो जाना चाहिए, है ना। अगर 5 kg नहीं है तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, तो अगर मान चलिए आपके ट्रेन में लीकेज हो रहा है, ठीक है, लीकेज हो रहा है और बीपी का जो प्रेशर है वो 5 kg नहीं बन रहा है, 4.5 बन रहा है, तो भी तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा ना, तो हम लोग को लीकेज भी देखना है, ठीक है, कि कहीं रास्ते में लीकेज नहीं रहना चाहिए, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण जैसे कोचिंग में क्या होता है कि आपका कोचिंग या वागन में हम बात करेंगे
तुम्हारे लिए ब्रेक सिलेंडर ही खराब हो जाए, है ना। डीबी सही काम कर रहा है मेरा, लीकेज भी नहीं है, लेकिन ब्रेक सिलेंडर ही खराब हो जाए, ये भी फॉल्ट हो सकता है। या फ्लेक्सिबल पाइप है, जैसे कि जो मान चले जैसे बीएमबीसी रहता है, जो बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो रहता है उसमें फ्लेक्सिबल पाइप रहता है, है ना। और फ्लेक्सिबल पाइप ऐसे मुड़ गया पूरा कि ब्रेक सिलेंडर में सही से प्रेशर जाने नहीं दे रहा है, है ना। तो प्रेशर अगर सही से जाने नहीं देगा तो वहां भी ब्रेक बर्निंग हो सकता है, है ना। क्योंकि क्या है, मेरा जो ब्रेक अप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है, जैसे हम प्रेशर दिए, प्रेशर हमारा कहाँ का कहाँ गया, आपका एयर में गया, सीआर में गया, पूरा रिलीज हो गया, तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कहाँ जाना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए, है ना। डीबी के थ्रू यहाँ पे जो होल रहता है, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर इससे बाहर निकल जाएगा, है ना। हम लोग जब रिलीज करते हैं तो सारा प्रेशर यहीं से निकल जाता है बाहर, है ना। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग को देखना है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान चलिए अब हम लोग वागन का देखते हैं पहले, फिर हम लोग देखेंगे अगर कोचिंग का कहीं भी कुछ होगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे उसका ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज कैसे करेंगे। और एक कारण हो सकता है, ये तो हुआ मेरा इसका जो हम लोग का कैरेज है, कैरेजन वागन का है वो बोला हुआ। अब मान चलिए जैसे कोई है, अब ये जो है एक हैंड ब्रेक है ना, अब हैंड ब्रेक है कहीं पे कोई क्या किया, हैंड ब्रेक को अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब हैंड ब्रेक अप्लाई, यहाँ देखिए ऑन लिखा हुआ है, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, अब हैंड ब्रेक को अप्लाई कर दिया। अब जब जाने का टाइम हुआ, इसको ऑन ऑफ नहीं किया, कोई घुमाया ही नहीं, तो ये तो हैंड ब्रेक अप्लाई है, गाड़ी को आप लेके चल दिए, तो गाड़ी के लेके चल दिए तो ब्रेक बाइंडिंग होके जाएगा ही वो, है ना। तो ये भी हो सकता है, मिसहैंडलिंग हो सकता है ना। तो हम लोग को देखना है कि हैंड ब्रेक अप्लाई तो नहीं है। या अगर हम कोच की बात करेंगे तो जो कोच में एसएलआर रहता है, एसएलआर में कोई अनऑथराइज पर्सन घुस गया, उसका हैंड ब्रेक अप्लाई कर दिया, अब किसी को पता ही नहीं है हैंड ब्रेक अप्लाई है, है ना, तो ब्रेक बाइंडिंग होके जाएगा पूरा कोच मेरा, ठीक है। कोई चेन पुलिंग कर दिया, चेन पुलिंग कर दिया, अब उसके कारण क्या हो रहा है कि ड्राइवर को मान चलिए ड्राइवर में क्या होता है, लोको कारण कैसे ब्रेक बर्निंग हो सकता है। मान चलिए जैसे ड्राइवर है मेरा, तो ड्राइवर को ड्राइवर का जो ये एयर फ्लो इंडिकेटर है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो जब सही से काम नहीं करेगा तो अगर मान चलिए कोई चेन पुलिंग करेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा, या कहीं से लीकेज भी हो जाता है, ज्यादा लीकेज अगर होगा, अगर एयर फ्लो इंडिकेटर उसका सही से काम नहीं कर रहा तो उसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, वो सीधा लेके चलते रहेगा, है ना। वहां से भी हो सकता है ब्रेक बाइंडिंग, कोई चेन पुलिंग कर दिया, चेन पुलिंग कर दिया, अब उसको रीसेट नहीं किए, उसको गाड़ी को लेके जा रहे हैं हम, है ना, कोच को जैसे है तो चेन पुलिंग कर दिया उसको लेके जा रहे हैं। अब जैसे कुछ मान लीजिए कुछ ट्रेन को लेके जा रहे हैं, उसके अंदर में क्या हुआ कि कोई गाय भैंस घुस गया, मर गया, जो कैटल रन ओवर होता है, अब उसके कारण क्या हुआ, मेरा डीवी डैमेज हो गया, एआर में कुछ लीकेज होने लगा, बहुत बार होता है, अगर कुछ में इसमें कैटल घुस गया तो इसको कुछ डैमेज कर देगा, है ना, ब्रेक गियर मेरा कुछ डैमेज हो जाएगा, तो उस समय में ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है, है ना। अब वो उसको क्या किया कि जो चल रहा है गार्ड ड्राइवर लेके चले जा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, अगर कोई कैटल रन ओवर हुआ, गाड़ी के अंदर में घुस गया, तो ब्रेक सिस्टम को खराब कर सकता है ना, ब्रेक गियर को डैमेज कर सकता है। अब ब्रेक गियर को डैमेज कर दिया, फिर भी गाड़ी ड्राइवर लेके जा ही रहा है, उसको देखा भी नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ, है ना, ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है, ये कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है उसके बाद आपका, जैसे मान चलिए ये तो हुआ, उसके बाद जैसे जहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट नहीं है, नॉन टीएक्सआर पॉइंट जैसे बोलते हैं, लोडिंग पार्टी को जहाँ पे लोडिंग पॉइंट हो गया या फिर अनलोडिंग पॉइंट हो गया, वहां पे क्या होता है कि वहां पे तो कोई सीएनडब्ल्यू का स्टाफ रहेगा नहीं कैरेजन वागन का, तो वहां पे गार्ड ड्राइवर का काम है मेनली कि गाड़ी को रिलीज करना, ठीक है, पूरा गाड़ी को देखना कि गाड़ी मेरा रिलीज है कि नहीं, अगर वहां पे वो रिलीज ही नहीं किया और गाड़ी को लेके जा रहा है तो ब्रेक बाइंडिंग होके जाएगा, है ना। तो नॉन टीएक्सआर पॉइंट के पर जो भी गार्ड और ड्राइवर है उसको चाहिए कि गाड़ी को पहले रिलीज करे सही से, उसके बाद गाड़ी को लेके जाए, है ना। ये तो नॉन टीएक्सआर पॉइंट का हुआ। अब हम लोग देखते हैं ये पूरा कारण था मेरा ब्रेक बाइंडिंग का, ये सब कारण हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग जब हो जाएगा तब हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, ब्रेक बाइंडिंग जब हो जाएगा, इधर आ जाओ, देखिए सबसे पहले ब्रेक बाइंडिंग जब हो जाएगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको आइसोलेट करना है। ये आपका आर चार्जर है, आर चार्जर को आइसोलेट कर दीजिए, यहां से रिलीज करिए, यहां से जब रिलीज करिएगा आप देखिए कि इसमें जो है ब्रेक मेरा छोड़ रहा है कि नहीं, ठीक है, इससे हो जाना चाहिए। अगर इससे नहीं हो रहा है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इससे जब नहीं हो रहा है, ठीक है, तो तब हमको क्या करना है, यहां भाई इधर देखिए,
इधर आइए। ये ऐसे भी है, ठीक है, ऐसे भी, ये कंट्रोल गार्ड, ठीक है, ये अभी रिलीज कंडीशन में है। जब रिलीज कंडीशन में रहेगा तो ये गैप रहेगा यहाँ पर, ठीक है, जब ब्रेक अप्लाई रहेगा तो ये और इसमें सटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अभी ये रिलीज कंडीशन में है, अगर रिलीज नहीं है तो आप समझ जाइए, अगर ये इसमें सटा हुआ है, ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई है मेरा, ठीक है, ब्रेक मारनी है, इससे भी पता चल जाएगा। तब हमको क्या करना है, थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसे भी मेरा जाम हो जाए, ऐसे भी अगर जाम हो गया तो भी ब्रेक वाइंडिंग हो सकता है। तो हम थोड़ा सा इसको हिला के देखेंगे, ब्रेक सिलेंडर जिधर कंट्रोल रड है उधर अगर फेस रखेंगे, इधर फेस रखना है, इसको क्लॉकवाइज घुमाने से ये रिलीज होगा, क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं, इधर घड़ी जिधर घूमता है उधर अगर हम घुमाएंगे तो ये मेरा क्या होगा, इधर घूमेगा, ये उधर जाएगा, ठीक है। फेस याद रखिएगा, आपका कंट्रोल रड की तरफ रहना चाहिए, यानी ब्रेक सिलेंडर की तरफ रहना चाहिए, तब हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर मेरा फेस इधर है, इस साइड है, तब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो अगर मेरा फेस इस साइड है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और इधर है तो क्या किधर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, रिलीज करने के लिए, इसको लूज करना है थोड़ा सा, अगर ये जाम हो जाएगा तो, ठीक है, इससे ब्रेक बाइंडिंग आपका जो है आपका रिलीज हो जाएगा। अगर इससे भी रिलीज नहीं हो रहा है तब हम क्या करेंगे, तब हमको इससे एक और हो सकता है आपका, आपका अगर मान लीजिए ये हम देख लीजिए, उसके बाद हम लोग को स्लिप नट है यहाँ पे, ठीक है, इधर देख लीजिए, ये वाला देखिए, ब्रेक सिलेंडर इधर है, इधर वाला, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लीवर, ये वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लीवर में ये वाला हॉरिजॉन्टल लीवर हो गया लाइव, दो हॉरिजॉन्टल लीवर आता है इसमें, ठीक है, जिधर पिस्टन निकलता है उधर होगा हॉरिजॉन्टल लीवर लाइव, हॉरिजॉन्टल लीवर लाइव होगा इधर, ये वाला हॉरिजॉन्टल लीवर लाइव हो गया, अपोजिट साइड होगा हॉरिजॉन्टल लीवर डेड, ठीक है, ये हो रहा हॉरिजॉन्टल लीवर डेड, ये है आपका स्लीव नट, ठीक है, ये दो भाग में रहता है, आधा भाग इधर रहेगा, आधा भाग इधर रहेगा, उस दोनों को कनेक्ट करता है, स्लीव नट से हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसको घुमा के देखना है, इसको टाइट करना है, ठीक है, देखना है आपका इसको घुमा करके, क्योंकि अगर ये देखिए अभी ये जो है काम कर रहा है, घुमाओ इसको थोड़ा, ठीक है, अभी ये लूज है ना, इसको टाइट करो, टाइट करो। तो ठीक है, ये अभी ये ठीक है, अभी चूंकि रिलीज है ना गाड़ी, तो गाड़ी ये रिलीज है तो इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो स्लिप नट को घुमा के आप देखेंगे तो इससे भी हो सकता है आपका, ठीक है, ये भी आपका क्या करेगा, इसको एडजस्ट करेगा, ये जो ब्रेक बीम है, ये हॉरिजॉन्टल लीवर है, इसको ये इसको घुमाने से ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से भी नहीं हो रहा तब हम क्या कर सकते हैं, तब आगे चलिए, उधर चलिए राम मार्ग क्या, अब देखिए अगर वहां से भी ब्रेक बाइंडिंग में, देखिए वहां तक भी अगर ब्रेक बाइंडिंग में रिलीज नहीं हो रहा है तब हम लोग यहां पर आएंगे रामबन दवा के पास आएंगे, ठीक है, यहां से आपका ब्रेक बाइंडिंग तो रिलीज होगा ही होगा, ठीक है। यहां पर क्या करना है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इन पुल रड, या ECR पिन भी बोल देता है कोई, ठीक है। तो इंड पुल रॉड में क्या है, टोटल जो है यहाँ पे आपका 6 होल इसमें फिजिकली दिया हुआ है, लेकिन हम लोग 5 होल का काम करेंगे, ठीक है, 5 होल पे आएंगे। तो ये जो होल है यहाँ पे दिख रहा है, इसे यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपका होल दिख रहा है ये वाला, तो टोटल हम लोग 5 होल का यूज करेंगे। ये जो होल है ये व्हील के डायमीटर पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस होल में रखेंगे। तो व्हील का जो नया में डायमीटर रहता है वो होता है 1000 mm, और जो कंडेमिंग होता है वो होता है 906 mm पे, ठीक है। तो अगर मेरा व्हील का डाया 1000 से लेकर के 982 mm तक है, ठीक है, 1000 में से 18 हमको माइनस करना है, 982 mm आ गया, तो 1000 से अगर 982 है तो इसमें रखेंगे सबसे लास्ट वाला में, इसको हम लोग बोलते हैं ए, होल ए, होल बी, होल सी, होल डी, होल ई, ठीक है, ये वाला हो गया। इधर से हम लोग देखेंगे, इधर से इस साइड से, तो अगर 1000 से लेकर के 982 तक है तब हम लोग इसको कहाँ पर रखेंगे, ए में रखेंगे। अगर मान लीजिए चलते चलते व्हील रहा इसका कम हो गया, घिस गया व्हील, अगर घिस गया 981 से लेकर के
963 तक रहेगा तब हम लोग बी में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद और चल रहा है, चलते चलते और घिस गया तो व्हील का डायमीटर कम हो गया। जब व्हील का डायमीटर कम हो गया तो 962 से लेकर के अगर मान चलिए 944 तक हो जाएगा तब हम लोग कहाँ पर रखेंगे, सी में रखेंगे, ठीक है, तीसरा नंबर होल पे रखेंगे। फिर और चल रहा है और घिस गया तो फिर उसके बाद कहाँ से आ जाएगा, 943 से लेकर के 925 तक। तो जब 925 तक आ जाएगा हम लोग तब उसमें चौथा होल में रखेंगे, डी में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 924 से लेकर के 906 mm तक आएगा तब हम लोग रखेंगे ई में, लास्ट में, जब सबसे लास्ट में रहेगा 906 mm तक, 924 से लेकर के 906 रहेगा तब हम लोग ई में रखेंगे। तो ये वाला जो होल पिन है, ये वाला ECR पिन है, जो इंड पुल रॉड का पिन है, इस पिन को हमको क्या करना है, यहाँ से निकालना है, एडजस्ट करना है। तो देखना है कि अब मान चलिए क्या आप क्या किए, व्हील है मेरा नया, इसका डायमीटर अभी 1000 mm, ठीक है, और आप क्या किए हैं, इसको रख दिए सी में, तो ब्रेक बाइंडिंग होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ब्रेक तो छोड़ेगा ही नहीं ये वाला, ठीक है, क्योंकि इस तरह से एडजस्ट किया है कि आपका जो है जब नया में रहना चाहिए तो ये ए में रहना चाहिए, 1000 mm से लेकर के 982 mm तक ए में रहना चाहिए ये वाला पिन, ठीक है। तो हमको इस पिन को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो अब रास्ते में हम तो व्हील का डायर मेजर नहीं करेंगे ना, व्हील का डायर तो आपका हर जगह मेजर नहीं होता, रास्ते में ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा तो व्हील का तो डायर मेजर नहीं करने लगेंगे ना। तो हमको क्या करना है, इस पिन को सीधा सर निकाल दीजिए आप, ठीक है, पूरा निकाल देने के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा फ्री हो जाएगा। जब पूरा फ्री हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए इसमें APD है कि नहीं, ठीक है, तो इसको नहीं अगर है तो इसको बांध दीजिए, जनरली APD रहता है, ठीक है। तो जब ये पूरा पिन निकाल देंगे आपका पूरा ब्रेक रिलीज हो जाएगा। अगर मान चलिए इस ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग है तो इस वाला को निकाल दीजिए, अगर उधर वाला ट्रॉली में है तो उधर वाला को निकाल दीजिए, अगर दोनों में है तो दोनों निकाल दीजिए, है ना। अब फाइनली हमको क्या करना है, फिर से वहाँ पे जाके DB के पास जाके इसको आइसोलेट कर देना, ठीक है, क्योंकि रास्ते में फिर से ब्रेक बाइंडिंग ना हो जाए, समझ गए। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका बॉक्सेन, जो भी मेरा नॉर्मल वागन है उसको ब्रेक बाइंडिंग रिलीज करने का, ठीक है। इतना करने के बाद आपका ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए जो नॉर्मल कन्वेंशनल वागन है उसमें हम लोग ब्रेक बाइंडिंग को कैसे रिलीज करेंगे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जो बॉक्सेन HL है, जो HL वागन है उसका ब्रेक बाइंडिंग हम लोग कैसे छुड़ाएंगे, ठीक है। उसमें तो ये रहेगा नहीं, है ना, जो HL वागन है उसमें ये नहीं रहता है, ठीक है, जिसमें BMBC यूज होता है, जिसमें बॉगी माउंटेड, इसमें क्या है, इसमें है बॉडी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो एक रहता है, एक होता है आपका बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जिसमें दोनों बॉगी में एक एक सिलेंडर रहता है, उसमें ये वाला पिन नहीं रहता, वहाँ पे दूसरा पिन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं अभी बॉक्सेन HL अगर वागन है जिसमें BMBC लगा हुआ है उसको देखते हैं उसका ब्रेक बाइंडिंग कैसे छोड़ेंगे, ठीक है, चलिए। अब देखिए ये वाला है मेरा, अभी हम लोग देखे बॉडी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जिसमें कि एक सिलेंडर था जो कन्वेंशनल वागन में यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं जो बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर है जिसमें कि दोनों बॉगी में एक एक ब्रेक सिलेंडर यूज होगा, उसका हम लोग ब्रेक बाइंडिंग अगर हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे आर चार्जर को आइसोलेट करेंगे, क्विक रिलीज वाल्व से रिलीज करेंगे इसको, ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे। फिर आइए यहाँ पे, इधर आइए, अभी देखिए इसमें क्या है, जैसे हमको देखना है कि पहले किस ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग है, ठीक है। अगर मान चलिए इस ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ब्रेक सिलेंडर में जाने से पहले यहाँ पे एक जो है आपका आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, ये आइसोलेटिंग कॉक है, इसको हमको आइसोलेट कर देना है, ठीक है। तो जब हम इसको आइसोलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ दिखाओ, नजदीक से दिखाओ, यहाँ पे एक होल है, दिख रहा है क्या, यहाँ पे होल है, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। इधर देखिए ये वाला होल है, यहाँ पे देखिए ये घुस गया, है ना, होल दिखा, ये होल जो है अगर ये जाम हो जाएगा तो प्रेशर यहाँ से निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। अगर ये आइसोलेट भी करेंगे ना तो यहाँ से इस होल से प्रेशर नहीं निकलता है। तो जब हम इसको अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है, ये होल को अभी बंद करके रखा है, यहाँ से प्रेशर निकलने नहीं देगा, ठीक है। अगर हम प्रेशर 5 kg प्रेशर दे दिए तो इस होल से अभी ये होल काम नहीं करेगा, मेरा होल से प्रेशर रिलीज नहीं होगा। जब हम इसको आइसोलेट करेंगे तो ये होल ओपन हो जाएगा, जब ये होल ओपन हो जाएगा तो ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर है ये बाहर इस फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू इस होल से ही निकल जाएगा बाहर, समझ गए। तो अभी बाहर नहीं जाने देगा, नहीं इसका प्रेशर अब जाएगा ही नहीं इधर। जब हम इसको आइसोलेट कर दीजिए इसका प्रेशर अब इधर नहीं जाएगा, ठीक है,
जो डीबी से मेरा प्रेशर इधर से आ रहा है, ठीक है, इसका प्रेशर इधर नहीं जाएगा, आप समझ गए। तो ये ट्रॉली मेरा अभी आइसोलेट हो चुका है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको देखना है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, मान चलिए ये वाला होल जो है, ये दूसरा हम लगा दी, इसमें होल जाम हो गया या किसी कारण से यहाँ पे आइसोलेट करने से प्रेशर नहीं निकल रहा है, तब आप क्या करिए, थोड़ा सा इसको लूज करिए यहाँ से, इस नट को, ठीक है। जब आप इस नट बोल्ट को थोड़ा सा लूज करेंगे तो ये हल्का पाइप लूज हो जाएगा, तो प्रेशर जो है यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो ब्रेक सिलेंडर में जो भी प्रेशर है ये सारा बाहर निकल जाएगा आपका, समझ गए। फिर इसको टाइट कर दीजिए, ठीक। अगर यहां से भी नहीं हो रहा तब हम क्या करेंगे, इधर दिखाओ नजदीक से, इधर दिखाओ, ये रामबाण पे आ गए हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा पिन दिख रहा है, ये पिन को खोल देंगे, ये रामबाण आपका, ठीक है। वहां से भी नहीं हो रहा, इस पिन यहाँ पे इसको निकालिए, पहले इसको थोड़ा सा नीचे से मारिए, पिन को खोल दीजिए, ठीक है। ये आपका लास्ट पिन को, हाँ, ब्रेक बैंडिंग यहाँ से छोड़ेगा ही, ठीक है। इस पिन को निकाल देंगे, पूरा ब्रेक आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए हिला के, आपका पूरा जो है ब्रेक इसको छोड़ देगा ये, ठीक है। किसी एक साइड खोलना है, किसी एक साइड खोलने से काम हो जाएगा, दोनों साइड रहता है ये, ठीक है। तो जिस ट्रॉली में है वहां पे, तो वो लास्ट पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको घुसने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना, क्योंकि नीचे से पिन दिया हुआ है, नीचे से मारना है, तो वो लास्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि जाके वहीं पे पिन खोलने लगेंगे, समझ रहे। तो रामबाण समझ रहे हैं ना, रामबाण का मतलब होता है जब कोई दवाई काम नहीं करता तब हम लोग रामबाण यूज करते हैं, है ना, लास्ट उपाय, है ना। तो वो मेरा लास्ट है, देखेंगे कि किस ट्रॉली में मेरा है। तो जिस ट्रॉली में है वहां का पिन हमको खोलना है, तो हम लोग पहले यहाँ पे देख लेंगे। अभी ये आइसोलेट किए हुए हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, अभी ये नॉर्मल है, पिन देख लीजिए ना, हाँ, यहाँ पे पिन है, यहाँ पे ये वाला पिन दिखा, ठीक है। इस पिन को खोल देंगे, ठीक है। इस पिन को खोलने से आपका जो है ब्रेक जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया जो BMBC है, जिसमें बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर रहता है, जिसमें दो ब्रेक सिलेंडर रहता है, यहाँ पे एक ब्रेक सिलेंडर, एक ब्रेक सिलेंडर उधर रहेगा, तो जिधर भी ब्रेक बाइंडिंग होगा उधर हमको ये प्रोसेस अपनाना है, समझ गए। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अगर कोई कोचिंग वाला है, बेबी जेडाई या कुछ है, तो वहां हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बाहर निकलिए, अभी देखिए अब हमको क्या करना है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे आइसोलेट कर दिए, तो लास्ट पोजीशन में क्या करना है, इधर आइए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वहां से आइसोलेट कर दिए, तो फिर से रास्ते में कहीं मान चलिए ब्रेक बाइंडिंग ना हो जाएगा, अगर एक ट्रॉली भी अगर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइनली इसको इसे आइसोलेट करके, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको तार से कहीं बांध देंगे, क्योंकि कोई ऐसे नहीं कि कोई और इसको जाके नॉर्मल कर दे, है ना। अगर इसको हम बांध देंगे तो मतलब पता चल जाएगा कि इसमें कुछ फॉल्ट है ना। उसके बाद इसको रिलीज कर देंगे, उसके बाद फाइनली जो होता है मेरा, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जो AR देखिए, यहाँ पे AR चार्ज हो रहा है ना, अगर ट्विन पाइप लगा हुआ है, ट्विन पाइप अगर लगा है तो AR चार्ज हो रहा है, और AR चार्जिंग को ही बंद कर देंगे, AR चार्जिंग अब होगा ही नहीं, ठीक है। जब AR चार्जिंग होगा नहीं, AR चार्ज कर को इसको बंद करके, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे AR को ड्रेन कर देना, ठीक है, AR को लूज करके AR को ड्रेन कर देंगे। जो भी प्रेशर है ऑक्सिलरी रिजर्वायर में, सारा प्रेशर मेरा बाहर निकल जाएगा। फिर इसको टाइट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से आइसोलेट कर दीजिए। अब कहीं भी ब्रेक लगेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि आपका यहीं पे बंद हो गया, यहाँ से इसका भी प्रेशर निकल गया। ब्रेक एप्लीकेशन में क्या होता है, जब हम लोग ड्रॉप करते हैं तो AR का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है और ब्रेक अप्लाई होता है। अब हम इसी का प्रेशर निकाल दिए, जब इसी का प्रेशर निकाल दिए तो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर नहीं जाएगा, ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर नहीं जाएगा, ब्रेक लगेगा ही नहीं, समझ गए। तो ये मेरा प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो ये वाला हम देख लिए अभी BMBC में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कहीं अगर उसमें है तो उसको देखेंगे, ठीक है, कोचिंग वाला। ओके, देखिए ये अभी जो है, ये वाला पूरा जो ट्रॉली है ये मेरा ICF कोच में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोचिंग ट्रेन में ब्रेक बाइंडिंग हो जाए, ये जो ट्रॉली है मेरा ICF कोच है, ट्रॉली है, अगर ICF कोच में अगर ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को वहीं से प्रोसेस करना है, आइसोलेट करके रिलीज करना है, ठीक है। वहां से अगर ब्रेक बाइंडिंग रिलीज नहीं हो रहा है तब हम लोग को आना है इसके पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है आपका आया है पाइप, ये वाला पाइप, ये ब्रेक सिलेंडर में जा रहा है अभी, ठीक है। ब्रेक सिलेंडर में जाने से पहले यहाँ देखिए एक आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ, वही जो हम लोग अभी देखे थे, ठीक है, जो BMBC में देखे थे, सेम आइसोलेटिंग कॉक है। इसको हम लोग को क्या करना है, आइसोलेट करना है। अगर इस ट्रॉली में है तब हम लोग को इसको आइसोलेट करना है, अगर उस ट्रॉली में रहेगा तो उधर वाला को आइसोलेट करना है, समझ गए। तो अगर दोनों ट्रॉली में है तो दोनों को आइसोलेट कर देंगे, ठीक, यहां से आइसोलेट कर देंगे। यहां से अभी अगर नहीं हो रहा है,
तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इधर आ जाओ, एक मिनट, इधर 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 आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पिन दिख रहा है, ये ब्रेक सिलेंडर से यहाँ पे एक पिन है, यहाँ पे ये वाला पिन दिख रहा है, ये वाला, इस पिन को निकाल देना है, ठीक है, इस पिन को निकाल के ब्रेक सिलेंडर का जो ये वाला है, इसको ब्रेक सिलेंडर, इसको घुमाइए क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, आपका गाड़ी रिलीज हो जाएगा, पिस्टन अंदर चला जाएगा, समझ गए, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाइएगा, पिस्टन अंदर चला जाएगा, पिन निकाल कर, हाँ ठीक है, पिन निकाल के ऐसे ही घूमेगा नहीं ना, समझ गए, तो फिर आप फिर पिन को एडजस्ट कर दीजिए, ठीक, तो ये वाला मेरा फिर जो है आपका रामबाण वाला, वही जो लास्ट पोजिशन हम लोग लास्ट अपनाते हैं उपाय, ये उपाय है आपका पिन खोलने वाला, समझ गए, तो ये मेरा एसीएफ ट्रॉली का ब्रेक बाइंडिंग का हो गया। फिर हम देखेंगे इधर आपका फिर से फाइनली हम इसको क्या करना है, इसको आइसोलेट करके बांध देना है, समझ गए, तो हम लोग को पहले जो प्रोसेस का अनुसार है, पहले आइसोलेट करना है, वहां से अगर नहीं हो रहा तब हम यहाँ पाएंगे, इस आइसोलेटिंग को के पास आएंगे, यहाँ पे होल रहता है, यहाँ पे जब हम निकालने लगा है ना, अभी ब्रेक अप्लाई किया हुआ इसमें, समझ गए, तो चलिए बाहर निकलिए, ठीक है, उतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो इसका एयर चार्ज हो रहा है उसको आइसोलेट कर देंगे, आइसोलेट करने के बाद एयर का प्रेशर जो है सारा प्रेशर ड्रेन कर देंगे, समझ गए, जब एयर का प्रेशर ड्रेन हो जाएगा ब्रेक नहीं अप्लाई होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर आइसोलेट करके रखेंगे, है ना, ताकि नहीं तो फिर से आइसोलेट अगर नहीं करेंगे तो फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर से चार्ज हो जाएगा, तो हम लोग को पहले आइसोलेट करना है देन ड्रेन करना है, ठीक है, ड्रेन करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आइसोलेट आना चाहिए, अगर आइसोलेट नहीं किया आप ड्रेन करने लगे तो सारा प्रेशर निकलते रहेगा वो, समझ गए ना, तो हम लोग को पहले आइसोलेट करना है, देन हम लोग को इसका प्रेशर ड्रेन कर देना ताकि फिर से इसमें प्रेशर ब्रेक नहीं लगे, तो ये हुआ मेरा ब्रेक बाइंडिंग को छुड़ाने का प्रोसेस, अगर किसी कारण से मेरा ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है तब हम लोग ब्रेक को कैसे छुड़ाएंगे, ठीक है ना, आइए आगे आइए, देखिए अभी हम लोग पूरा ब्रेक बाइंडिंग समझे, पहले हम लोग समझे जो कन्वेंशनल वागन है ना, जो बॉक्सर वागन होता है, उसके बाद हम लोग समझे जो बीएमबीसी रहता है जिसमें दो ब्रेक सिलेंडर रहता है उसका ब्रेक बाइंडिंग कैसे छुड़ाना है, उसके बाद हम लोग समझे कोचिंग का, एक्चुअली में ये बीवीजेडआई है एक, ठीक है, ब्रेक वाहन है, लेकिन इसका ट्रॉली जो है दोनों ट्रॉली वही रहता है जो आपका एसएफ में रहता है, ठीक है, तो इसका भी प्रोसेस वही हम लोग यूज करेंगे जो कोचिंग का होता है, ठीक है, तो कोचिंग में हम लोग ब्रेक बाइंडिंग को छुड़ाएंगे, उसके बाद हम लोग एक होता है आपका एलएचबी कोच जो लाल कलर का कोच होता है, उसमें क्या रहता है आपका जो ये आइसोलेटिंग कॉक हम दिखा है ना वो बाहर में दिख जाएगा, बाहर में से घुमा दीजिएगा ना वो आइसोलेट हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है एक इंडिकेटर रहता है लाल कलर का और ग्रीन कलर का, ठीक है, दो दो कलर में हो जाता है वो, अगर मान लीजिए ब्रेक रिलीज है तो ग्रीन रहेगा, अगर ब्रेक अप्लाई है तो लाल रहेगा, तो दो ट्रॉली के लिए दो इंडिकेटर रहता है वहाँ पर, तो अगर मान लीजिए इधर वाला इंडिकेटर लाल है तो इसके मतलब हम समझ जाएंगे कि इधर वाला ट्रॉली में ब्रेक बाइंडिंग है, अगर इधर वाला लाल है दो यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ रहेगा, ठीक है, अगर इधर वाला लाल है तो हम समझ जाएंगे इधर वाला में ब्रेक बाइंडिंग है, तो हम लोग को अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बाहर में पैनल रहता है, पैनल में एक रहता है आपका आइसोलेटिंग कॉक कर, उसको घुमा दीजिए आपका जो लाल था वो ग्रीन हो जाएगा, अपने आप रिलीज हो जाएगा, एलएचबी कोच में बहुत कम चांसेस है कि उसमें ब्रेक बाइंडिंग हो, ठीक है, लेकिन हो जाता है फिर भी उसमें, क्योंकि उसमें जो है आपका व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन का, ठीक है, जो WSP सिस्टम है, WSP सिस्टम का क्या काम है कि अगर किसी कारण से ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा, अगर व्हील के डाया में, व्हील के जो डायमीटर है अगर उसमें अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार अगर से चेंज आ गया, जैसे दो व्हील मान चलिए और एक व्हील घूम रहा है नॉर्मल स्पीड से, एक जो है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड से घूम रहा है, तो WSP सिस्टम क्या करता है उसको अपने आप रिलीज कर देता है, अगर मान चलिए किसी कारण से WSP सिस्टम भी काम करना बंद कर दे, ठीक है, जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम है WSP सिस्टम काम करना बंद कर दे, तब ब्रेक बाइंडिंग अगर हो जाए तो अपने आप तो रिलीज होगा नहीं, तब हम लोग को क्या करना है आइसोलेट कर देना है पैनल से, तो ये LHB कोच का होगा, ठीक है, तो अभी हम लोग सारा जितना भी कोच है वागन है सब में ब्रेक बाइंडिंग को कैसे रिलीज किया जाए, क्या कारण होगा, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, तो इतना अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे किसी और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बंद कर दो, ठीक है।